स्वागत है आपका आज के जाए पे। तो आपको पता होगा, हाल ही में संभावना सेठ ने एक पेट अडॉप्ट करा है। एक और फरी बच्चा उनके घर में आ चुका है, उसका नाम उन्होंने कोको रखा है। अच्छा, जिनको ना पता हो तो मैं बता दूं, संभावना की ओरिजिनली 4 फरी बेबीज थे, उसमें से एक कोको बहुत ओल्ड हो गया था और हाल ही में कुछ महीने पहले ही उसका निधन हुआ था। दैट टाइम वॉज एक्सट्रीमली टफ फॉर हर एंड ऑल हर व्यूअर्स इंक्लूडिंग मी। मैं भी बहुत हर्ट हुई थी। एंड उसके बाद एक वॉइड सा संभावना को लगता होगा, कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने ये जो बच्चा है इसे अडॉप्ट करा। उसकी शक्ल बिल्कुल कोको जैसी है, आई गेस ब्रीड भी वही है। हजारों लोगों ने यूट्यूब पे संभावना को कंग्रेचुलेट करा, हर कोई खुश था। इसी बीच जब इंस्टाग्राम पे संभावना ने सेम पोस्ट डाली तो कमेंट सेक्शन कुछ अजीब सा दिखा। वहाँ पे लोगों ने कहा दैट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट आपने कोई स्ट्रे डॉग अडॉप्ट नहीं करा। यहाँ पे देखिए, दो परसेप्शंस हैं, दो सोच है लोगों की, जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। हाँ, स्ट्रे डॉग अडॉप्ट करना बहुत अच्छा है और करना भी चाहिए। हमें वैसे भी ब्रीडर्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए बाय एनी मीन्स, बट हमें समझने की ज़रूरत है दैट कोको एक स्पेसिफिक ब्रीड का था, एक तरीके से दिखता था। तो अब जब वो छोटा सा बच्चा सेम कलर, सेम ब्रीड, सेम शक्ल का लेके आई है, तो उनको कहीं ना कहीं अपना जो कोको है वो उसमें दिखता है। अब ऐसा तो नहीं है कि संभावना एक पेट लवर नहीं है, वो बहुत सारी बिल्लियों को भी खाना डालती हैं, बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स का वैसे भी ध्यान रखती हैं। कितने सारे लोग हैं उनको वो डेली, मंथली कितना सारा डॉग फूड देती हैं, राइट? तो देखा जाए तो अगर उन्होंने कोई स्ट्रे डॉग अडॉप्ट नहीं करा तो ऐसा नहीं है कि उनका स्ट्रे डॉग्स के लिए प्यार नहीं है या वो उनसे अटैच नहीं है। इस बात से दिख जाता है कि जब भी वो कहीं जाती है, द फर्स्ट थिंग दैट शी डज इज कि आइदर वहाँ बिल्लियाँ हों या कुत्ते हों या गाय हो, वो सबसे पहले खाना लेके डालती हैं। तो मैं मानती हूँ कि स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करना शुड बी आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशंस को हम दरकिनार नहीं कर सकते, हम सेटिसाइड नहीं कर सकते। और सारे स्ट्रे डॉग, सारे फरी बच्चे बराबर के प्यारे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर संभावना का कोको को लाना एक वॉइड खत्म करने जैसा था जो कि उसी ब्रीड के बच्चे से वो खत्म कर पाई। आई एम श्योर वो अगर उस दिन उस बिल्ली को भी ले आती जो उनको मंदिर पे दिखी थी, जो वो कह रही थी वो अडॉप्ट करना चाहती है, तो उसको भी वो उतना ही प्यार देती। पर हम सबको पता है कि कोको कैसा दिखता था, कोको क्या था, और इसी वजह से आज जब वो इस बच्चे को लेके आई है तो आई रियली फील दैट। मैं मुझे याद है कि एक बार संभावना ना छोटे की फोटो दिखा रही थी, कोको कैंडी चेरी की सबकी, एक व्लॉग बनाया था उन्होंने जहाँ पे बचपन की फोटोज दिखा रही थी। एंड आई वाज लाइक, कितने प्यारे बच्चे थे, काश इनका बचपन देखने को मिलता तो और भी अच्छा लगता, प्यारा सा छोटा सा टेडी बेयर जैसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन जो मैंने करी थी वो पूरी हो गई और मुझे कोको का बचपन देखने को मिल गया। मैं तो दिल से बहुत खुश हुई एंड मैं अपने डैड को कह चुकी थी कल ही कि आप लिख के ले लो कि संभावना जो है वो एक छोटा सा फरी बच्चा लेके आ रही है। एंड आई नेवर इमेजिन कि एक्चुअली कोको 2.0 होगा। सो लेट्स टेक दिस मोमेंट पॉजिटिवली। आई अग्री विद यू ऑल, बट हमें ये भी देखना होगा कि संभावना की कॉन्ट्रीब्यूशन इमेंस रही है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड स्ट्रे कैट्स। सारे स्ट्रे बच्चों के लिए संभावना ने बराबर किया है और मेरे हिसाब से ब्रीडिंग को बिल्कुल नहीं प्रमोट करना चाहिए। उस पर आप लोगों के साथ हूँ मैं और हमेशा यही कहूँगी, पर ये चीज़ मैंने खुद सही हुई है अपनी लाइफ में। एक बार एक गलत इंसान ने मुझे एक छोटी सी, तब मुझे ये सब नहीं पता था कि ब्रीडर क्या होते हैं क्या नहीं, मुझे उस इंसिडेंट के बाद पता लगा था कि ब्रीडर्स क्या होते हैं, इनकी असलियत क्या, मोस्ट ऑफ देम की असलियत क्या होती है। इतने गंदे कंडीशंस में बच्चों को रखते हैं। तो जो बच्ची मुझे दी गई थी, छोटी सी फरी बच्ची, 3 से 4 दिन में वो चली गई प्रभु के पास, और वो सिर्फ इसलिए हुआ बिकॉज ब्रीडर ने बीमार बच्ची मुझे दी थी। एंड मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, मेरे पैसे गए नहीं, मुझे बस एक रिग्रेट है कि वो बच्ची इतनी बुरी कंडीशन में क्यों रखी गई थी। उसके बाद मैंने ठान ली थी दैट आई विल नेवर एवर गेट अ ब्रीड वाला डॉग बिकॉज उनकी हालत ही इतनी खराब होती है, उनकी माओ की हालत कितनी गंदी होती है, उनको अबैंडन कर दिया जाता है सड़कों पे जब वो बच्चे देना बंद कर देती हैं। बट फिर देखिए, एक दिन विधि का विधान कैसा हुआ, मैंने एक छोटे से बच्चे को, ब्रीड वाले बच्चे को, एक ब्रीडर से रेस्क्यू करा। और वो कैसे करा, आई वॉज पासिंग थ्रू अ पेट शॉप, मैंने छोटा सा वही जो आज मेरे घर में इतनी बड़ी है वो बच्ची एक छोटे से केज में, जो केज ऊपर वॉल पे लटका हुआ था उसमें रखी हुई थी। आई फर्स्ट थॉट कि ये कोई टॉय है, मैंने बोला ये भैया ये असली है, कहते हाँ। तो मैं उसको पुचकार रही थी,
वो जवाब नहीं दे रही। आई वॉज शॉक्ड। तो मैंने कहा भैया क्या ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही, बीमार है? नहीं बीमार नहीं है, भूखी है। मैंने कहा तो भैया आप इसको खाना दे दो ना, इसको भूख लग रही है, ये सो गई बेचारी, भूख के मारे उठ नहीं रही। तो कहते क्या है, नहीं आज ये हम इसको सेल करने के लिए लाए हैं, अगर ये आज बिकी ठीक है, वरना ये कल सुबह ब्रीडर के उस पे जाएगी सेंटर पे, वहाँ पे इसे खाना दिया जाएगा। अगर हमारे यहाँ पे बीमार पड़ गई, खाने से उल्टी करने लग गई, हम कैसे संभालेंगे? कल तक इसे कुछ ना हो तो हम इसे कुछ नहीं दे रहे कि इसका पेट खराब ना हो। तो मैंने कहा आप ऐसे कैसे कर सकते हो, अच्छा मैं आपको पैसे दे रही हूँ, आप इसे अभी खाना दे दो। वो नहीं माने। एंड उसके बाद मैंने अपने डैड से बोला कि पापा क्या किया जाए, किस तरीके से इसको खाना खिलाया जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये भूखी ही नहीं है, ये बीमार भी है, क्योंकि इसी वजह से वो लोग खाना भी नहीं दे रहे थे कि इसका पेट खराब है, कुछ देंगे उसका इलाज कराना पड़ेगा, और ये पेट शॉप वाले मान ही नहीं रहे थे खाना देने को। फिर मैंने अपने डैड को बोला कि पापा आप घर चलो, मैं अपनी पॉकेट मनी जितनी मेरे पास सेविंग्स थी मैं लेके आई, बाकी मेरे डैड ने बोला जितना भी ऊपर रहेगा वील गिव यू, और पैसे मिला के, क्योंकि ब्रीड वाले डॉग तो महंगे ही होते हैं। फिर हम वापस गए पेट शॉप ओनर को बोला चलो हमारे साथ वेट पे, हम बच्चे को दिखा लेते और वहां से हम अपने घर ले जाएंगे। वेट को दिखाया तो उसने बोला इसकी हालत तो खराब है, ये बच्चा आपके घर पहुंचे तक सर्वाइव करेगा कि नहीं ये नहीं पता। तो मैंने ना, मैं बाहर आई डॉक्टर के रूम से, मेरी मॉम बाहर खड़ी हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि मम्मा एज पर द डॉक्टर इसकी हालत ख़राब है, पर इस टाइम पे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ख़राब है या सही है, मुझे इसकी ट्रीटमेंट करानी है, मुझे इसको खाना खिलाना है, तो मैं इसको ले लूँ। मेरी मॉम ने मुझे कहा भगवान का नाम लो और इस बच्चे को घर लेके चलो, हम इसे ठीक कर लेंगे। और उसके बाद मैं अंदर गई, मैंने बोला अपने डैड से कि पापा वी आर टेकिंग हर होम, और मैंने डॉक्टर को बोला आप इसको नेसेसरी दवाइयाँ लिख दीजिए, जो भी अभी देना है दे दीजिए, और हम इसको घर लेके जा रहे हैं। जय माता दी जय श्री राम बोला हमने, हम घर लेके गए बच्चे को, और हमने उसको प्रॉपर खाना दिया, और आप मानोगे नहीं वो छोटे से बच्चे ने ऐसे खाना खाया। मुझे याद है इतनी हंसी आ रही थी, वो पहला दिन जो था वो अपने पीछे के दोनों पैर उसके ऊपर हो गए थे खाना खाते खाते खाते, वो इतनी एक्साइटेडली खा रही थी, बिल्कुल छोटी, जितने आपका हाथ होता है ना, जितना पाम होता है, उतनी उतनी बच्ची। और वो देख के ना उस दिन मुझे इतना चैन मिला कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा मेरे कितने हज़ार चले गए, मेरे बैंक में जितना पैसा जितनी सेविंग थे मैंने सब इस पे एक दिन में लगा दिए, ये नहीं सोचा कि मैं आगे क्या करूँगी। और उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक भी नहीं चल रही थी, और मैंने बस ये बोला कि ऊपर वाला है ना वो सब अपने आप कर देगा, मैं इस जान को बचा लूँ। उस टाइम पे ये नहीं सोच सकती थी मैं कि मुझे ब्रीडर्स को प्रमोट नहीं करना, उस टाइम पे मुझे ये था कि ये छोटा सा बच्चा भूखा बुरी हालत में मरने की हालत में जो है, मैं किसी तरह से अपने घर पहुँचा के इसे पहली मील इसकी खिला दूँ, खाना खिला दूँ, माँ से दूर करा हुआ है, फीट पे थी नहीं, किस तरीके के लोग होते हैं। सच बात है ब्रीडर्स को इसलिए प्रमोट नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस कंडीशन में ये बच्चों को रखते हैं वो बहुत ही खराब होती है, बट एट द सेम टाइम जो बच्चे ब्रीड हो चुके हैं, जो बच्चे हैं उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ये बच्चे को मैं घर लाई, इसने खाना खाया, उसके बाद वही हुआ जिसका डर था, 3 दिन तक शी वॉज एक्सट्रीमली अनवेल। प्रभु मेरी पूरी पूरी परीक्षा ले रहे थे, मेरे कॉलेज के जो एग्जाम है वो चल रहे थे, और फरी बच्चों के माँ बाप को पता है कि जब इन बच्चों के पेट से खून निकलने लगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि किसी भी हालत में ORS आपको नहीं रोकना, यहाँ मुझे पूरी रात उसको ORS देना था, और उसके बाद सुबह जाना था एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद आना था, वो एक दिन के डिफरेंस वाले एग्जाम थे मेरे कॉलेज के, तो आके पढ़ना था, उसका ख्याल रखना था, पढ़ना था, ख्याल रखना था, पूरी रात जगना था, एंड 10 से 15 किलोमीटर गाड़ी चला के सुबह कॉलेज जाके एग्जाम देके भी आना था। तो ये सब कुछ मैंने करा, और शायद कहते हैं ना ऊपर वाले को मुझ पर तरस आ गया, और बच्चे की तबीयत इवेंचुअली धीरे 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 ठीक हुई, बहुत इलाज। और मैं आपको बता दूं इस दौरान मेरे माँ बाप ने जितना मेरा साथ दिया, क्योंकि जब मैं कॉलेज में होती थी तो दिन में मेरे डैड लेके उसको डॉक्टर पे होते थे, डॉक्टर उसको प्रॉपर इंजेक्शन देते थे इन्फेक्शन वाले, उसके बाद मेरी मॉम और मेरे डैड लेके उसको ब्लड टेस्ट के लिए लेके जाते थे, और मेरे सारे एग्जाम्स में ये सब कुछ हुआ। बट भगवान ने मेरी मेहनत का जो सिला, मेरे मॉम डैड की मेहनत का सिला ये दिया कि वो बच्ची ठीक हो गई, और आज वो बाबा की कृपा से मेरे पास है, मेरे साथ है,
और बस यही कहूंगी कि जो ब्रीड हो चुके हैं बच्चे उनको बचाना ब्रीडर्स से बहुत जरूरी है थ्रू अ प्रॉपर लीगल एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, जहाँ पे ब्रीडर्स को सुपरवाइज किया जाए और वहां पे जाके प्रॉपर चेक किया जाए, ऑडिट्स किए जाए कि बच्चों को ठीक हालत में रखा जा रहा है, कहीं भूखे पेट तो नहीं रखा जा रहा, क्या वहाँ सैनिटेशन मेंटेन करी जा रही है। बिकॉज ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से स्ट्रे डॉग्स को अच्छे से न्यूटर करना और ब्रीडर्स से ब्रीड वाले डॉग्स को बचाना, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड नो डाउट स्ट्रे डॉग्स को घर पे लेके आएंगे तो और भी बढ़िया है। बट एट द एंड फॉर कोको 2.0 मैं संभावना को किसी भी तरीके का ब्लेम नहीं दूंगी, बिकॉज वही जानती है कि उनका जो लॉस था वो कितना बड़ा था। एंड आई एम श्योर ये जो फरी बच्चा है ये इस घर में बहुत सारी और खुशियां लेके आएगा। दैट बी ऑल गाइस, कॉमेंट कीजिएगा कि आपको संभावना का कोको 2.0 कैसा लगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा, वैसे जैसे मुझे उनकी कैंडी और चेरी भी बहुत प्यारी लगती है, और छुन छुन तो भैया बहुत ही ज्यादा फील कर रही थी इनसिक्योर 100% बच्चे को देख के। पर खैर वो तो इनसिक्योरिटी सिबलिंग्स के बीच में होती है कि कोई छोटा बच्चा आ जाए तो सारा प्यारा माँ बाप उसको करेंगे, पर खैर वो धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगी, है बहुत प्यारी वो। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। दैल बी ऑल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।